हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। तो आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल स्वीट, जिसके लिए हमने 1 कप मिल्क लिया है लार्ज कप से। ये पाइनएप्पल की 3 स्लाइस है, जिसे हमने 2 सेक्शन में कट कर लिया है। पाइनएप्पल एसेंस 3 टेबल स्पून, शुगर 3 टेबल स्पून। हमने इसे हल्का मीठा ही रखा है। अगर आपको और मीठा चाहिए तो और शुगर ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी किशमिश, चिरौंजी, लेमन जूस 3 टेबल स्पून। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बर्तन को रखेंगे और इसमें मिल्क को ऐड करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे जब तक कि मिल्क में एक बॉयल ना आ जाए। ये देखिए, मिल्क में एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से चलाएंगे जब तक कि शुगर डिजॉल्व ना हो जाए। शुगर हमारा डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस को ऐड करेंगे और इसे चलाएंगे नहीं। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारा मिल्क कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे मलमल या कॉटन के कपड़े से इसे छान लेंगे। अब हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस को मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हम इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे पाइनएप्पल की स्लाइसेस पे अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम सारे स्लाइसों पर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, मैंने पाइनएप्पल स्लाइस पे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम को सेट कर दिया है। अब इस पे सिल्वर सीड को अप्लाई करेंगे। अब किशमिश को अप्लाई करेंगे। चिरौंजी। अब हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए, आधे घंटे हो गए हैं और हमारा पाइनएप्पल स्वीट बनके तैयार है। इसका खट्टा मीठा स्वाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।